फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डाबिस किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम बटर मसाला। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले मशरूम को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ना चाकू की मदद से। इस तरह से ऊपर ऊपर से उसकी हम स्किन निकाल लेंगे और ये इस तरह बिल्कुल वाइट मशरूम बन जाएगा। और ऊपर से ये इसकी डंडी भी कट कर सकते हैं। हमने सभी मशरूम को अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके बाद अब हम इनको तीन भागों में कट कर लेंगे इस तरह से। अगर मशरूम आपके बड़े हैं तो उनको तीन से चार भागों में आप कट कर सकते हैं। ये सभी मशरूम कट के तैयार हैं। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए कितने साफ़ और बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ कुछ गर्म मसाले ले रहे हैं। दालचीनी, जावित्री, तेजपत्ता, लौंग और बड़ी इलायची, कुछ काली मिर्च। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। दो से टेबल स्पून इसमें हम तेल डाल देंगे और अच्छे से इसमें ये तेजपत्ता, दालचीनी और सभी मसालों को हम इसमें अच्छे से तड़का लेंगे। यहाँ हम एक चम्मच जीरा डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ हमने तीन बड़ी प्याज ली है और उन्हें रफली चॉप कर लिया था। इसी तरह से आपको भी कर लेना है और इसमें डाल देना है। इसे भी हम हल्का हल्का भूंज लेंगे, थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इसी स्टेज में हम इसको अच्छे तेज आंच में पका लेंगे। गैस की फ्लेम आपको हाई ही रखनी है। हमारे यहाँ प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे, 10 से 15 कलियाँ हैं, और 2 इंच टुकड़ों में कटा हुआ अदरक, जिसे हम इन सभी को अच्छे से तेज फ्लेम पर ही पकाएंगे। ध्यान रहे आपको इसको अच्छे से पकाना है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी, बस सिर्फ हमें इसे तल लेना है इस तरह से। और अब हम इसमें कुछ टमाटर के टुकड़े ऐड कर लेंगे। ये 2 से 3 टमाटर कटे हुए टमाटरों को भी हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी स्लो कर दी है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। और ये टमाटर को अच्छे गलने के लिए मैं इसमें यहाँ 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, ताकि ये हमारे टमाटर जो पानी छोड़ के अच्छे से पक जाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच हम देगी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। मिर्च आप ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सभी को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही हम पकाएंगे, ताकि सिर्फ इनका मसाला जो होता है वो कच्चा ना रहे और अच्छे से पक जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही अच्छे से पक गया है। यहाँ हमें इसे 2 से 3 मिनट और तेज फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम इसका गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से पक गया है। यहाँ हमने एक कढ़ाई गरम करी है, उसमें 50 ग्राम के बराबर बटर डाल दिया है और इसमें अब हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे और उसे भी हल्का अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अब हम इसमें एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हम ज़्यादा नहीं भून रहे हैं और यहाँ हमने चॉप किया हुआ मशरूम कट करके जो रखा था वो डाल दिया है और उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। मशरूम हमारे हो रहे हैं। अब हमने एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लिया है और जो मसाला हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो अब हम उसमें जार में लेकर उसे एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारा मसाला उसमें डाल लिया है। अब मैं इसका एक बारीक फाइन पेस्ट बना लूँगी कुछ इस तरह का। पेस्ट भी हमारा बनके तैयार है। अब हम मशरूम को देख लेते हैं
और मशरूम में हमने एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है और उसे भी हम थोड़ा अच्छा सा भून लेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब हम इसमें एक वो जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। पेस्ट को हम भी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पेस्ट अच्छे से पकाया था इसलिए इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल रिच ग्रेवी तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। यहाँ हम ग्रेवी की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए 1 कप पानी ऐड कर रहे हैं और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मशरूम का कोई अपना कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। और अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच में फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम घर की भी बनी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास मार्केट की हो तो मार्केट की भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ अपने घर की बनी ही फ्रेश क्रीम यूज़ की है, जो कि हमने घर पे ही बना के तैयार की है। फ्रेश मलाई से उसको मैंने अच्छा सा बीट कर लिया था और उसे इसमें मिक्स कर दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई, एकदम रिच तरह की रेस्टोरेंट स्टाइल की ग्रेवी बनी है हमारी। यहाँ हम इसमें 1 चम्मच शक्कर ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे जो हमने मसाले इसमें डाले हैं उनका फ्लेवर मेंटेन हो जाएगा बिल्कुल। ये भी और 1 चम्मच बटर मैंने इसमें ऐड किया है, ये बिल्कुल। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे थे। मशरूम बटर मसाला बनके तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं इसे प्लेटिंग कर रही हूँ, कुछ इस तरह से मैं बटर मशरूम बन के तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग में इसको सर्व कर लिया है एक बाउल में। अब हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डालेंगे इसको गार्निश करने के लिए, और इस पर कोरिएंडर लीव डालेंगे। अब आप इसे कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।